हरियाणा को विकास के पथ पर ले जाने में सीएम नायब सिंह सैनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनहित को समर्पित सीएम नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं पर पूरा फोकस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विकास के पथ पर हरियाणा, जनहितों को समर्पित सीएम नायब सिंह सैनी। जनता की समस्याओं पर सीएम का पूरा फोकस। जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता के लिए खोले द्वार। जनता के लिए सीएम आवास संत कबीर कुटीर के खुले दरवाजे। हर दिन मुख्यमंत्री आवास पर लगता है जनता दरबार। मुख्यमंत्री आवास पर जनता की मुश्किलों का हल। हरियाणा में अगले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव हैं और राज्य में हर चुनौती को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से न सिर्फ समझ रही है बल्कि उसके हिसाब से जोर शोर से तैयारियां भी जारी हैं। आपको बता दें, बीते दिनों बिप्लब देव की जगह सतीश पुनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाए जाने के पीछे भी बीजेपी की यही सोच रही होगी। आपको बता दें कि हरियाणा में अभी भी सत्तारूढ़ पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। आगे हर वो दांव खेला जाएगा जिसमें वोट बटोरने और पार्टी को मजबूत करने की गुंजाइश होगी। खैर, बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाने के लिए महीनों पहले से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिच तैयार करने में लगे हैं और उन्होंने इस सियासत की पिच को अपने घर के मैदान में ही बना लिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव हरियाणा में नायब सिंह सैनी के सामने दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। पहली परीक्षा में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है उसे भले ही बहुत बेहतर न कहा जा रहा हो, लेकिन यह सच है कि सूबे की कमान संभाले उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आगे शानदार परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि उनकी कार्यशैली का जनता में लगातार सकारात्मक संदेश जा रहा है, उसमें एक चीज को समझना होगा कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मिली थी। जाटों में नाराजगी, किसान आंदोलन का प्रभाव, पहलवानों के प्रदर्शन जैसे तमाम मुद्दों के बावजूद हरियाणा में सैनी ने बीजेपी को काफी हद तक संभाला। लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के खाते में रहीं। अब दूसरी परीक्षा में सैनी के सामने विधानसभा चुनाव है जो सबसे बड़ी है। यही असली परीक्षा है जिसकी कठिनाई को देखकर सीएम नायब सिंह सैनी बड़ा दांव खेल रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आमजन से मुलाकात की। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो शीघ्रता से सभी समस्याओं का समाधान कर जनता को राहत प्रदान करें।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।